अगला शनिवार को जो माननीय सांसद ललन सिंह है ना, उसी का काला चिट्ठा खोले माननीय सांसद ललन सिंह का, कि कैसे इसका अपराधियों के साथ काटकाट है। दिव्यू जेल क्या हमारे बाबूजी का है कि नीतीश सरकार के न है व्यव जेल? और अनंत बाबू को 3 जिला पार करके लाता है सरकार, वो सुरक्षित है बहुत। 3 जिला जो पार करता है नक्सली बेल्ट सब है वो बहुत सुरक्षित है, और यहाँ से 4 किलोमीटर जाना पड़ता है वो असुरक्षित हो गया। नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम कुमार, आप देख रहे हैं रायती न्यूज। एक समय था कि लालू यादव के हनुमान कहे जाते थे राम कृपाल यादव, लेकिन अभी वर्तमान समय में अनंत सिंह के हनुमान कहे जाते हैं बंटू सिंह। आइए बंटू सिंह से जानते हैं आज क्या बम फोड़ते हैं। सर, आप आज शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसमें क्या सरकार के खिलाफ बम फोड़े हैं? देखिए, सरकार के खिलाफ जो हम फोड़े हैं, जो हम आज हम ऑडियो वायरल किए हैं, बहुत बड़ा ऑडियो है। हम पहले तो आपके माध्यम से सरकार से ये पूछना चाह रहे हैं कि खाली विधायक जी के लिए 233 पन्ना का चार्जशीट और ये सब नकली बना के जो पेश किया गया है, और लोगों के साथ क्या हो रहा है। जो हम दो को जो ऑडियो वायरल किए थे, वीडियो वायरल किए थे 47 वाला, और 2 को कह रहा है कि बाहर में है, उसका क्या हुआ? अभी तक जो 2 अपराधी है वो आराम से रह रहा है, ना उसको रिमांड पर लिया गया, ना कुछ किया गया, उसके साथ आराम से वो बाहर जेल में रह रहा है, आराम से एकदम सब कुछ मने खा रहा है, गांजा सिगरेट सारा व्यवस्था उसको लिपि सिंह की हुई है, सारा व्यवस्था दी हुई है उसको। और मेरे विधायक जी को बार बार भागलपुर जेल भेजा जा रहा है। क्यों भेजा जा रहा है भाई? वो अपराधी है, आतंकवादी है, वो असली आतंकवादी ये नीतीश कुमार पाल के रखे हुए है। वही हम ऑडियो सुनाने जा रहे हैं आप लोग को, ये गुंडा क्रिमिनल को पार के रखे हुए अगल बगल। देखिए कैसे इनका प्रवक्ता जो है, कैसे इनका प्रवक्ता धमकी देता है बुजुर्ग मंत्री कपिल देव कामत को, कैसे ये धमकी दे रहा है। हम आपको सुना है कि आपके पास आया ऑडियो, संजय जी है इनके बारे में बात करें, यहाँ पे विधायक जी का चर्चा नहीं है, यहाँ बोल रहे हैं कि आगे ललन जी के बाबले में बात, इसमें क्या कहिएगा? तो विधायक जी का चर्चा कैसे नहीं, चुनाव के चर्चा है, वो घोटाला हुआ और जो है सो कह रहा है कि घोटाला को दबाइए, नहीं तो आपका बेटा को स्टिंग विस्टिंग कर देंगे, माने हत्या कर देंगे, कितना बड़ा बात है। और ललन भी आके चुनाव है, चुनाव समय का ऑडियो आप कर रहे हैं, तो चुनाव है तो चुनाव समय का ललन सिंह का ऑडियो। ललन सिंह बोला धमकी देने के लिए संजय सिंह को, अपने ने देखे संजय सिंह को बोला धमकी देने के लिए, धमकी दिया संजय सिंह। इसमें धमकी किसको दे रहा, पता उतना नहीं चल रहा है। हम लोग आप पता कर लीजिए, ये कपिल देव कामत हैं, मंत्री पंचायती राज मंत्री को धमकी दे रहे हैं संजय सिंह। आप अपने बड़े पत्रकार को सुनाइएगा, पता चल जाएगा उनको। वो खुद बोल रहे हैं कि हम जदयू के प्रवक्ता संजय सिंह बोल रहे हैं, आपका बेटा रमन जी जो है थाना को फोन करके ऐसे ऐसे करता है, ललन सिंह का चुनाव है ललन भैया का, और जो है कि हम लोग को ये करना पड़ता है वो करना पड़ता है, नहीं कीजिएगा तो किसी दिन स्टिंग बिस्टिंग हो जाए। स्टिंग बिस्टिंग का मतलब समझते हैं ना क्या होता है, वही कह रहा है, सुनिए। तो इस पे जब अनंत सिंह का जो सुनवाई था वो कहने का मतलब उनका भागलपुर हो रहा है, क्या रहा है कि पटना जेल में ही रहे या भागलपुर में ही कुछ करके उनका सुनवाई किया जाए? देखिए भागलपुर जेल में मान कि उनका सुनवाई वहां से लाया जाता है, 9 घंटा उनके शरीर में घुटना में ऑपरेशन हुआ था, कमर में उनका पेन रहता है, बैक प्रॉब्लम है उनको, तो इस दिक्कत के चलते बोला गया। तो ये बेउर जेल क्या हमारे बाबूजी का है कि नीतीश सरकार के न है बेउर जेल? यहाँ भी तो सब MLC और MP और सब लोग रह रहा है, कुंकार आतंकवादी लोग रह रहा है, तो उसको नहीं दिक्कत। और अनंत बाबू को 3 जिला पार करके लाता है सरकार, वो सुरक्षित है बहुत। 3 जिला जो पार करता है नक्सली बेल्ट सब है वो बहुत सुरक्षित है, और यहाँ से 4 किलोमीटर जाना पड़ता है वो असुरक्षित हो गया, सिखा रहे हैं हमको। लगातार कभी हर शनिवार को बम फोड़ते हैं, अगला शनिवार को भी क्या कुछ बम फोड़िएगा? अगला शनिवार को जो माननीय सांसद ललन सिंह है ना, उसी का काला चिट्ठा खोले माननीय सांसद ललन सिंह का, कि कैसे इसका अपराधियों के साथ काटकाट है, इसका हम आप लोग को प्रूफ देंगे कि कैसे है, देखिए यही हम दिखाना चाहेंगे। और एक हत्या जो हुआ है उसका हम, इस ललन सिंह का उसमें तार जुड़ा हुआ है, उसका हम शनिवार को 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोग को हम बताएं।